हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी सीमा खन्ना और आज मैं एक और होम रेमेडी लेके आई हूँ वेट लॉस के ऊपर, जो कि मैं खुद भी यूज करती हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि जैसा आप जानते हो ठंड आ चुकी है, ठंड के कपड़े निकल चुके हैं। तो ठंड में ये होता है कि हम थोड़ा सा लेजी हो जाते हैं और वर्कआउट पे थोड़ा सा ध्यान कम देते हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप रेगुलर रहेंगे तो आपको कभी भी फैट का प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब भले थोड़ा सा टाइम निकाले, पर टाइम जरूर निकाले अपने लिए, 10 मिनट निकाले पर टाइम निकाले, क्योंकि आप अगर आलस करोगे और लेजी हो जाओगे तो ये जो फैट है आपको वापस जकड़ लेगा। तो चलिए आज मैं आपको कुछ मैजिकल एक ऐसा रेमेडी बताती हूँ जिससे कि आपको बहुत कम वर्कआउट के साथ इसे खाकर या पीकर, दोनों कर सकते हो आप, कर यूज कर अपना वेट लूज कर सकते हो। स्टार्ट करने से पहले एक बात जरूर कहना चाहूंगी, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को बेल आइकन प्रेस कर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा और एक कमेंट जरूर करिएगा कि आपको ये कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, मैं आज जो आपको रेमेडी बताने वाली हूँ वो बहुत ही इजी है, आपके घर पे अवेलेबल रहता है वो सामान। और एक चीज आपको बस लेना है, वो है फ्लैक्स सीड। तो वो जो होता है, उसे हिंदी में अगर बोलते हैं अलसी। अलसी जो होता है बहुत ही यूजफुल होता है वेट लॉस के लिए। मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूं मैं, तो अगर आप चाहोगे तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन दे दूंगी उस वीडियो का, तो आप उसके बारे में और अच्छे से जान सकोगे। तो आज मैं उसके डिटेल को नहीं डिस्कस करूंगी, आज मैं उसके बेनिफिट्स बताऊंगी और उसे कैसे बनाते हैं, कैसे वेट लॉस के लिए उसका पाउडर तैयार करना है हमें, वो मैं बताऊंगी। तो फ्रेंड, जो अलसी होता है ना बहुत फायदेमंद होता है। अगर आप चाहते हो कि ठंड में आपका बहुत ही आसानी से वेट लूज हो और ज्यादा मेहनत भी ना करना पड़े, तो आप जरूर ये पाउडर जो मैं बता रही हूँ वो जरूर ट्राई करिएगा, क्योंकि ये मैं खुद भी यूज करती हूँ और इसे दिन में 2 बार यूज करना है। एक तो अर्ली मॉर्निंग जब आप उठते हो तो गर्म पानी के साथ आपको पीना है ये पाउडर जो मैं आपको बताऊंगी। अभी मैं आपको लाइव करके बताऊंगी कि कैसे बनाना है, क्योंकि मैं अपने लिए बनाती हूँ। बट इसे हम ज्यादा लंबे समय के लिए स्टोर करके नहीं रख सकते हैं, इसे आप 3-4 डेज का पाउडर बनाइए, यूज करिए, फिर 3-4 डेज बाद फिर न्यू पाउडर बनाइए। इसे ज्यादा लॉन्ग टाइम रखेंगे तो वो खराब होने का डर होता है, तो इसे ज्यादा क्वांटिटी में नहीं बनाना है। तो फ्रेंड्स, मैं ये बोल रही थी कि आप इसे अगर यूज करते हो, कंटिन्यू 1 मंथ यूज करोगे तो आपको इफेक्ट दिखने लगेगा। मैं और लोगों की तरह नहीं कहती कि आप सिर्फ ये पाउडर 10 दिन पीजिए और 10 दिन में 5 किलो वजन कम कर दीजिए, ये इम्पॉसिबल होता है, इतना इजी नहीं होता है। जो वर्कआउट ऑलरेडी कर रहा है उनके लिए तो पॉसिबल है कि हाँ चलो वो वर्कआउट के साथ ये कर सकते हैं, बट आप वर्कआउट नहीं कर रहे हो और आप सिर्फ पाउडर पीकर सोचो कि वेट लूज हो जाए, तो ये बहुत सी फेक ऐसे आपको वीडियो देखने को मिलेगी कि सिर्फ आप ये पीजिए और वेट लूज हो जाए। ऐसा नहीं है, मैं कोई भी फेक चीज नहीं बताती हूँ। मैं हमेशा बोली अपने वीडियो में, मैं कोई भी फेक चीज शेयर नहीं करती हूँ। सो फ्रेंड्स, अब बातें तो बहुत हो गई है, चलिए मैं आपको लाइव कर दिखाती हूँ, किचन में चलते हैं और मैं आपको कर दिखाती हूँ कि किस तरीके से ये चूर्ण बनाना है और आपको कैसे पीना है। मैं आपको सब डिटेल बताऊंगी, बट इसके साथ आप थोड़ा सा टाइम एक्सरसाइज के लिए जरूर निकालिए। अगर एक्सरसाइज नहीं होता तो एक वॉक जरूर करिए, फिर 20 मिनट, 15 मिनट, जो भी है इतना टाइम आपको देना होगा इसके साथ, तो ही आपको रिजल्ट बेहतर मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, हमें ये 4 इंग्रेडिएंट चाहिए चूर्ण बनाने के लिए। ये है जीरा, खड़ा जीरा है, और ये है अजवाइन, आप स्टोर से ला सकते हो। ये देखिए, ये है फ्लैक्स सीड, ये मेन होता है, सारा जो चूर्ण का मेन असर है फ्लैक्स सीड में ही है, और ये सेंधा नमक है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने प्लेट में इसकी क्वांटिटी डिवाइड कर ली है, फ्लैक्स सीड जितना लिया है उसका 1/3 अजवाइन और जीरा लेना है। गैस जला दिया मैंने और देखिए कढ़ाई गरम हो गई है। अब कढ़ाई गरम होते ही मैं ये तीनों को एक साथ डाल दूंगी और आप देखिए कि इसे अच्छे से भूनना है, चलाते रहना है, इसे छोड़ना नहीं है, क्योंकि फिर ये जलने लग जाएगा नीचे से। तो आपको इसको कंटिन्यू कढ़ाई में डालने के बाद चलाते रहना है इस तरीके से, जैसे मैं चला रही हूँ, और ये देखिए इस तरीके से भुनने लगेगा। सो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये जो हमारा तीनों
अच्छे से भुन चुका है। अब इसे है ना मिक्सर में पीसना है, तो जार में मैंने डाल दिया है ये देखिए। और अब मैं इसे इसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डालूंगी फ्लेवर के लिए। अगर आप अगर गर्म पानी के साथ पी सकते हो या तो ऐसे ही खा सकते हो, तो ऐसे भी खाओगे तो सेंधा नमक डालने से टेस्ट अच्छा रहता है, आप चूरन जैसा आराम से खा सकते हो। ये देखिए पिस गया अच्छे से, बारीक पीस लेना है। ये देखिए आपका चूरन, ये 3 दिन का हिसाब का मैंने बनाया, 3 से 4 दिन का। तो इस तरीके से आपको चूरन बनाना है, और इस चूरन को सुबह शाम एक एक चम्मच लेना है गर्म पानी के साथ, और आप देखिएगा आपको बिल्कुल रिजल्ट मिलेगा। सो फ्रेंड्स, आपने जैसा कि देखा वीडियो में, मैंने आपके सामने लाइव कर बताया कि किस तरीके से चूरन बनाना है। इस तरीके से आपको चूरन बनाना है, ज्यादा क्वांटिटी में नहीं बनाइएगा, और ज्यादा क्वांटिटी में बनाने से ये खराब होने लगता है। तो इसलिए आप अगर ज्यादा से ज्यादा भी बनाना है तो 1 वीक का आप बनाकर रख लीजिए, स्टोर कर 1 वीक में आप बनाते रहिए, 1 वीक के गैप में। तो ये आपके लिए बेनिफिट होगा, ज्यादा पुराना होने से इसका असर भी कम हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये जो है जो रेमेडी है वेट लॉस का, वो पसंद आया होगा, और इसे एक बार जरूर ट्राई कर देखिएगा। जरूर आपको मैं कह रही हूँ कि वेट लूज होगा, क्योंकि मैंने खुद ये फील किया है कि मेरा वेट लूज हुआ है इस पाउडर से। इसलिए उसके बाद ही मैं शेयर की हूँ, क्योंकि मैं खुद भी वेट लॉस के प्रोसेस में चल रही हूँ और मुझे भी अपना टारगेट अचीव करना है। तो अपने टारगेट को अचीव करने के लिए मैं हमेशा कुछ ना कुछ नया करती रहती हूँ। तो उस नए करने के साथ साथ मुझे जिससे रिजल्ट मिलता है वो मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, टाइम टू टाइम शेयर करती हूँ। तो उसमें से एक ये भी है, जो इस पाउडर से मुझे भी काफी बेनिफिट्स हुआ, उसके बाद ही मैंने ये जो वीडियो है आपके साथ शेयर किया है। आप एक बार जरूर ट्राई करें, और इस वीडियो को मैं अब यहीं एंड करती हूँ। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज कमेंट्स कर बताइएगा, और लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपका लाइक ही हमें मोटिवेट करता है अच्छे अच्छे वीडियो लाने के लिए। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को अब यहीं एंड करती हूँ, जल्दी ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, बाय, टेक केयर।